हेलो गाइज, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइज मशरूम चटपटा मसालेदार। उसकी रेसिपी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है मशरूम। तो गाइज मैं एक नए तरीके से मशरूम बना रही हूँ। तो गाइज मैंने ये मशरूम के 2 पैकेट लिए हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये 2 पैकेट लिए हैं मशरूम के। और मैंने लिया है 4 काठी प्याज की और लहसुन की कलियाँ। और इस्तेमाल करने के लिए सब्जी में जो ग्रेवी मसाला बनाएंगे उसके लिए सबसे परफेक्ट होता है मसाला। तो मसाले की क्वांटिटी अगर अच्छी रखेंगे तो आपका स्वाद बहुत ही ज़्यादा निखर के आएगा। तो गाइज मैंने लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, गर्म मसाला, टर्मरिक पाउडर, और मैंने लिया है धनिया, हरी मिर्च और अदरक। तो गैस अदरक और लहसुन के पेस्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो गैस अदरक को छील लेंगे, छीलने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। पीसेस करने के बाद ही इसको ग्राइंड कीजिएगा। तो गैस मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं, और अदरक के लिए छील के इसको पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो गैस मिलते हैं पेस्ट तैयार करने के बाद। और ये मशरूम को गए छोटे छोटे पीसों में इस तरीके से काट लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रोटीन होता है, बच्चों के लिए भी बहुत पसंद आता है। तो गैस आप देख सकते हैं, इसको मैं पैकेट खोल के दिखा रही हूँ। वह जी ये है मशरूम, और मशरूम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसको पैकेट को खोलेंगे। मशरूम इस तरीके से होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये मशरूम है। तो बस मशरूम तो बहुत ही बढ़िया देखने में लगता है, देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये चपल गिनने की तरीके होता है गोल। तो गाइस इसको क्या करेंगे, इसमें चाकू से इस तरीके से कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद इसके जो बीच की डंडी होती है ये निकाल देंगे, और इसका गोल चक्का होता है इसके अंदर इस तरीके से छीलेंगे, इसका ये रेसा ऊपर निकाल देंगे। आप लोगों ने कमेंट करके क्या आता है पहले नेक्स्ट वीडियो में कि मशरूम को किस तरीके से कटिंग करना चाहिए। तो गाइज मैंने ये सोचा है कि आपको कटिंग करनी भी बता दें कि मशरूम को किस तरीके से कटिंग करना चाहिए। तो गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जाली जाली टाइप का होता है ये। तो जाली को इस तरीके से चाकू की सहायता से इस तरीके से काट लेंगे, इस तरीके से निकाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको निकाल दिया। अब इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। पीसेस करने के बाद इसको 2-3 पानी से धोएंगे, नमक के पानी से डालकर धोएंगे। तो इस तरीके से मशरूम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो गाइस मिलते हैं सारी तैयारी करने के बाद। तो मशरूम की कटिंग कर लेंगे, और मिक्सर में मसाला ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट ग्राइंड कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मशरूम को हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और इसको पीसेस करने के बाद इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। और पानी से धोने के लिए गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 5 मिनट के लिए इसमें नमक, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और नमक के पानी में इसको 2-3 बार धोएंगे। तो गाइस एक चुटकी इसमें नमक डाल देंगे और इसको पानी में भिगो देंगे 5 मिनट के बाद। इसको भीगने देंगे पानी से, और धोने का प्रोसेस ये है कि पानी भीगने के बाद इसको 2-3 पानी से ही धोना है। ज़्यादा से पानी से धोएंगे तो वही इसके जो ये होता है मशरूम में जो पानी बहुत ही ज़्यादा मांगता है ये धोने के लिए। तो इसको धोने के बाद मिलते हैं गाइस। सो गाइस पेस्ट तैयार कर लिया है मशरूम को। गाइस देख सकते हैं कि मैंने धोने के बाद इस तरीके से छलनी में रख लिया है और डलिया में, और इसका पानी इस तरीके से नीचे निकल जाएगा और कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं गैस गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे, लोहे की कढ़ाई रखेंगे, और इस पर मैंने तेल डाला है, कड़वा तेल 1.5 चम्मच समथिंग। तो गर्म करेंगे, पहले 1 चुटकी नमक डाल देंगे ताकि तेल की छाड़ निकल जाए। तेल गर्म हो चुका है, इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, अदरक इसमें ग्राइंड कर ली थी, हरी मिर्च। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज के लहसुन के पेस्ट को डाल दिया है, उसको गुलाबी होने तक भूनेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे, और इसका पहले प्याज को गुलाबी होने तक का इंतज़ार करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि गुलाबी प्याज हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। जब तक कि इसको अच्छे से नहीं भूनेंगे तो इसमें प्याज की महक आएगी। तो आप देख सकते हैं कितना गुलाबी मैंने इस तरीके से प्याज को भून लिया है बढ़िया करके। तो अब क्या करेंगे, जो मैंने ये मसाले लिए हैं आप देख सकते हैं कि टर्मरिक पाउडर सबसे पहले इसमें डाल देंगे, और इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे। गरम मसाला 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, सब मिक्स कर देंगे इसमें। फिर इसमें पानी डालेंगे, इसको चलाएंगे, इसकी ग्रेवी को अच्छे से भुनेंगे ताकि मसाला जितना अच्छे से भुनेगा और उतना ही मशरूम आपका स्वादिष्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बन रही है, और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून।
उसको चलाएंगे और इसको ग्रेवी अच्छे से तैयार करेंगे। आप चाहें तो गाइज इसमें मशरूम में मटर टमाटर का भी उपयोग कर सकते हैं। गाइज मैंने ना मटर इस्तेमाल करी है और ना ही मैंने टमाटर। यदि आपको टमाटर का टेस्ट अच्छा लगता हो तो आप टमाटर भी इसमें 4 टमाटर ग्राइंड करके डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रेवी इसकी अच्छे से तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है, कड़वा तेल जो ऊपर आ जाता है, मसाला जैसे ही भुनेगा वैसे ही इसका तेल छोड़ देगा। तो ऑलरेडी प्याज इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा है प्याज की, तो इस तरीके से इसको बहुत ही ज़्यादा देर तक ही भूनना है। इसकी ग्रेवी परफेक्ट तैयार हो गई है। पाँच मिनट हो चुका है गाइस इसको मसाले को भूनते हुए। तो मशरूम मैंने तैयार किया था गाइस धो के, और इसको इसमें इस तरीके से डाल देंगे, इसको चलाएंगे। चाहे तो मशरूम गाइस फ्राई कर सकते हैं, मैं मसाले में ही फ्राई कर रही हूँ। अब गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और मशरूम को फ्राई अच्छे से कर लेंगे मसाले में। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे। 5 मिनट हो चुका है गाइस मशरूम फ्राई हो चुका है मसाले में खूब अच्छे से, तेल के तरीके से तेल में भी तल सकते हैं आप, मैंने मसाले में फ्राई किए हैं। अब लेंगे गाइस नॉर्मल टेम्परेचर का 1 ग्लास पानी, इसमें पानी ऐड कर देंगे, उसको चलाएंगे। ग्रेवी गाइस अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने 1 ग्लास समथिंग पानी डाला है, चाहे तो आप और डाल सकते हैं। इसको मशरूम से चावल से खाना है तो आधा ग्लास पानी और ऐड कर सकते हैं। इसको ढक देंगे ढक्कन से और इसमें 1-2 खोल लगाएंगे। मिलते हैं गाइस 15 मिनट के बाद। सो गाइस आप देख सकते हैं कि 15 मिनट हो चुका है, अब इसके ढक्कन को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे बना है ये मशरूम। तो इसमें खोल आ रही है, गैस को मैंने 2 फ्लेम पर कर दिया था, अब हाई फ्लेम पर कर दे रही हूँ। ऑयल आप देख सकते हैं क्वांटिटी ऑयल की थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो ये मशरूम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है, चटपटा मसालेदार मशरूम जी आप देख सकते हैं। गैस जिसको चावल से खाइए चाहे रोटी से खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब गैस देख सकते हैं मैंने हरा धनिया कटिंग करके रख लिया है, इसको धो लिया 2-3 पानी से, और धोने के बाद इसको धनिया डाल देंगे। तो धनिया डालने से गाइस टेस्ट और भी दुगना अच्छा हो जाता है। कश्मीरी मिर्च आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने कश्मीरी मिर्च नहीं लिया है, ना ही टमाटर मटर मशरूम भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, मटर मशरूम भी बना सकते हैं गाइस। तो गाइस सब्जी बन के तैयार हो गई है, उसको सर्व कर लेते हैं, चटपटा मसालेदार मशरूम। तो गाइस मशरूम बनके तैयार हो गया, इसको मैंने सर्व कर लिया है गाइस। इसको आप चाहे तो रोटी से खाइएगा या पराठे से और या चावल से, मशरूम ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको सूखा मशरूम बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं इसके मशरूम की सूखी सब्जी की रेसिपी आपको वैसे बनाकर दूंगी, और मटर मशरूम यदि चाहिए तो मटर मशरूम की भी आपको रेसिपी बनाकर दूंगी। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मशरूम चटपटा मसालेदार, ये मसालेदार कढ़ाई मशरूम है ये। तो गाइस कढ़ाई मशरूम बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, बच्चों को लिए बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है मशरूम। तो गाइस आपको मशरूम की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कम्युनिटी हाउस में एक मेरा नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाकर आप मेरे शॉर्ट्स के चैनल को देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खाइएगा मटर मशरूम या सूखा मशरूम, जो भी आपको वीडियो आपको चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं कमेंट में बताइएगा तो मैं अवश्य बना कर दिखाऊंगी। और ये है रसीला कढ़ाई मशरूम। तो गाइस इस तरीके से आप बना सकते हैं और खाइएगा, स्वाद को सबकी टेस्ट को दुगना कीजिएगा। तो गाइस जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।